बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का पहला अध्याय, जिसका नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, आज का जो लेक्चर रहेगा वो पूरी तरह से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है, और जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला नाम जो आया है वो है पदार्थ। यहाँ पे पदार्थ से क्या अभिप्राय है, देखते हैं। ठीक है, तो पदार्थ, पहले तो इसकी डिफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा समझते हैं क्या होता है, कि वे समस्त वस्तुएं यानी वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे तथा जिनमें द्रव्यमान हो। ठीक है, यानी वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसको क्या कहा जाता है? पदार्थ। ठीक है, ओके। इस द्रव्यमान से हमको पहले अवगत कराते हैं आप लोगों से कि ये द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में, ठीक है, ये जो अब द्रव्यमान आया इसकी डिफिनेशन लेके चलते हैं, इसकी परिभाषा दिखाते हैं क्या होता है। तो द्रव्यमान किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में उपस्थित, उपस्थित मतलब प्रेजेंट, किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा को, द्रव्य की कुल मात्रा को, कुल मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, काफी आसान सा परिभाषा कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन में कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो, बात लगभग वही है। ठीक है, जिसके अंदर द्रव्यमान होगा उसी के अंदर भार भी होगा। ठीक है, पर दोनों में बहुत अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ अंतर है, कि यहाँ पे किसी भी वस्तु में उपस्थित समस्त द्रव्य की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। अब इस द्रव्यमान को, जैसे मान लो कोई भी एम द्रव्यमान का एक वस्तु है, यम इसका क्या है? द्रव्यमान है। तो इसको पृथ्वी कुछ ना कुछ बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, और उसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं? भार कहते हैं। भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यही होता है। ठीक है, यानी कि अगर यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आकर्षित करती है, तो जितने बल से आकर्षित करती है वही उसका भार होता है। ठीक है, तो ये भार हो गया। तो अगर द्रव्यमान है यानी कि अगर इसके पास द्रव्यमान है तभी उसके पास भार भी होगा, द्रव्यमान नहीं होगा तो भार नहीं होगा। तो किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की कुल मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। अब इस द्रव्यमान को पृथ्वी जितने आकर्षण बल से या गुरुत्वाकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसको उसका भार कहते हैं। तो ये द्रव्यमान और भार की बीच में थोड़ा सा अंतर पता चल गया। ठीक है, याद रखेंगे, आगे काम आने वाला है। तो किसी को भी पदार्थ अगर बोलना है तो जो स्थान घेर रहा है, इससे अभिप्राय है कि उसके पास आयतन हो, साथ ही साथ क्या हो? द्रव्यमान हो। ठीक है, तो ये दोनों अगर बातें वो फुलफिल कर रहा है यानी कि ये दो कंडीशन को संतुष्ट करता है तो उसको हम लोग पदार्थ बोलेंगे, अन्यथा पदार्थ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो समझ गए इतनी बातें। अब आते हैं इसके बाद, तो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं किसको पदार्थ कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। जैसे देखा जाए आसपास में कुर्सी, मेज और बॉटल, मिरर, फोन, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब कुछ को हम लोग पदार्थ कंसिडर कर सकते हैं, पदार्थ मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबके पास द्रव्यमान है तथा सभी लोग कुछ ना कुछ जगह कवर किए हैं, ये जगह नहीं कवर रहता तो ये खाली दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हवा की बात करते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि जितने भी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं सब द्रव्यमान है तो ये गलत बात है। हवा भी हमारे आसपास में प्रेजेंट है, हवा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और अगर हवा दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उसको तो हम लोग नहीं कह सकते कोई पदार्थ है। लेकिन पदार्थ है, देखने से अभिप्राय नहीं है, उसके पास द्रव्यमान होना चाहिए और बस क्या होना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ जगह कवर करनी चाहिए, जगह घेरनी चाहिए, स्थान घेरनी चाहिए, बस दो ही कंडीशन। ठीक है, दो ही कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो उसको पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हवा को अगर सिंपल से बात करी जाए कि हवा क्या पदार्थ है, तो बिल्कुल है। इसको अगर चेक करना है तो सबसे पहले दो ही कंडीशन चेक करते हैं, पहला क्या कि उसके पास द्रव्यमान है कि नहीं, अगर द्रव्यमान हो गया तो इसका मतलब वो पदार्थ हो सकता है, दूसरी बात अगर जगह कवर कर दिया तो 100% अब द्रव्यमान बन गया है। ठीक है, तो अभी हवा को देखो, एक पहले बैलून लो, सिंगल बैलून लो, उसको मतलब कि ऐसे ही बिना भरा हुआ ऐसे ही खाली बैलून उसको ले जा करके वेट कर लो,
ठीक है, उस पर ले जा करके तौल लो, तौलने के बाद दोबारा उसमें हवा भरी जाए, अब हवा भरने के बाद फिर से उसको तौलो, अब जब तौलेंगे तो दोनों का द्रव्यमान में कुछ ना कुछ अंतर आएगा, जब हवा भरने से पहले जब द्रव्यमान था तो वो कुछ कम आएगा, हवा भरने के बाद जो भी द्रव्यमान आया वो कुछ ना कुछ बदल जाएगा, ठीक है, हवा भरने के बाद जब द्रव्यमान आएगा तो बदलने का क्या अभिप्राय है, बढ़ जाएगा, ठीक है, हवा भरने के बाद वो बढ़ जाएगा, चेक करके देख लेना ऐसा, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा हुआ, इसका मतलब है कि बैलून के अंदर यानी गुब्बारे के अंदर जब हवा भरी गई तो हवा में भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहा होगा, इसकी वजह से उसका द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये पहला हो गया कि हवा को हम लोग, और दूसरी बात, बैलून पहले जब हवा नहीं भरी गई थी तो एकदम छोटा सा था, जैसे ही हवा भर दी गई तो उसके अंदर का जगह भर गया, इसका मतलब है हवा ने क्या किया, जगह भी घेरा, स्थान भी घेरा, तो स्थान घेर रहा है साथ में उसमें कुछ भार आ रहा है यानी कि द्रव्यमान आ रहा है, इसका मतलब हवा को भी हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे यानी कि पदार्थ कहेंगे, ठीक है, पदार्थ या द्रव्य, द्रव्य भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, तो पदार्थ मैटर, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सूर्य का प्रकाश या सिंपल सा कोई भी प्रकाश, प्रकाश का भार होता है कि नहीं होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा बात कि ये पदार्थ है कि नहीं है, सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश हो वो पदार्थ है कि नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे नीचे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पदार्थों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण, तो इसको मैं अब मिटा सकता हूँ, पदार्थों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। देखो जरा, जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, पदार्थ, उनको दो तरीके से हम लोग इसको वर्गीकृत करने जा रहे हैं, एक उसके भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा उसके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, ठीक है। अब पहला क्या होगा, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, और इधर क्या कर देंगे हम लोग, रासायनिक गुणों के आधार पर, अब भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर इसको हम लोग वर्गीकृत करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, पदार्थ को अगर भौतिक गुण धर्म के आधार पर बांटा जाए तो इसको हम लोग तीन, वैसे तो पांच में बताऊंगा, फिलहाल अभी तीन भागों में मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, जरा देखना। पहला ठोस, ठीक है, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, ठीक है। तो ये पदार्थ की तीनों जो अवस्थाएं होती हैं उसके भौतिक गुण धर्म के आधार पर। अब भौतिक गुण धर्म का क्या मतलब है, भौतिक गुण क्या है, उसके रूप रंग आकार, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको या उसकी अवस्था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वो भौतिक गुण है, ठीक है। तो ये भौतिक गुणों के आधार पर इसको ठोस, द्रव, गैस, ये तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। दो और अवस्थाएं आने वाली हैं इसकी, जो कि हम अभी लास्ट वाले में, इस लेक्चर के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, उसका है क्या, प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, BEC अवस्था, ठीक है। तो ये चार अवस्था, पांच अवस्थाएं हो जाएंगी। फिलहाल रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इसको अगर बात करी जाए तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर भी तीन हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, तत्व। दूसरा क्या होने वाला है, यौगिक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यौगिक। और तीसरा हो जाएगा मिश्रण। करेक्ट, मिश्रण, ठीक है, तत्व, यौगिक तथा मिश्रण, ये तीन हो जाएंगे किसके, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। अब ये रासायनिक गुणधर्मों के, ये जो तीनों बन रहे हैं इसको हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि कौन सा शुद्ध होने वाला है और कौन सा अशुद्ध, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या अशुद्ध, इसके बारे में जब डिस्कस होगा तब हम लोग इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, ये दोनों को हम लोग वहाँ पर बात करेंगे तो कहेंगे ये शुद्ध हैं और बाकी ये मिश्रण जो है वो क्या है, अशुद्ध है, ठीक है, ठीक है। तो ये अभी आगे जब आएगा तो उसको हम लोग इसके बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ठोस, द्रव और गैस हो गया, यहाँ तत्व, यौगिक और मिश्रण हो गया, ठीक है। पदार्थ को हम लोगों ने वर्गीकृत कर दिया दो भागों में। अब समझते हैं क्या होता है पदार्थ को, और अच्छे से इसके अंदर घुसते हैं, ठीक है, क्या होता है पदार्थ, ठीक है। देखना, तो ये जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये कणों से मिलकर बने हैं, ठीक है। पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर के बने होते हैं, ये बात एकदम याद रखेंगे। अब ये जो पदार्थ के कण होते हैं उनकी कुछ प्रवृत्ति हैं जिनको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब देखो जरा, पदार्थ के जो कण होते हैं उनका क्या है, देखो, पदार्थ के कण, ठीक है, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, ये जो पदार्थ के कण होते हैं इसका
इसके बारे में कहते हैं इसके कुछ गुणधर्म हैं। पहला गुण, पदार्थ के जो कण होते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब पता होगा सबको, छोटे छोटे, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। नेक्स्ट, अगला, निरंतर गतिशील होते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है, निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, यहाँ पे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगला, लास्ट वाला, के मध्य, के बीच में खाली स्थान होता है, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ के कण जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। तो ये चार बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनके बीच में खाली स्थान होता है, ठीक है, मतलब लगातार गति करने से क्या, सबसे पहले हम लोग कहो तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसको अगर हम लोग बताएं तो देखो जरा, एक चौक होता है, इतना बड़ा सा चौक है, मान लो ये चौक है, ठीक है, इससे जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते टाइम उसमें से छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं, लगातार उड़ते रहते हैं। अगर मान लो कोई झरोखा कहीं खुला हुआ है, वहाँ से अगर रोशनी आ रही है तो उसके बीच में जो कण होते हैं इसके चौक के, वो साफ साफ दिखाई होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, ठीक है, साफ साफ दिखाई देते हैं। तो ये जो है वो सामने कण हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो है वो कण है, एक्चुअली वो क्या है, कण हैं, ना कि उसको इलेक्ट्रॉन बोल देंगे या फिर प्रोटॉन बोल देंगे या न्यूट्रॉन बोल देंगे, ये सब नहीं है, या उसको अणु या परमाणु कुछ नहीं बोलेंगे, ये सब बातें आगे आएंगी, अभी कुछ नहीं, अभी वो बस खाली कण है, ठीक है, उसको हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, और अगर वो दिखाई दे रहा है तो वो परमाणु नहीं बनेगा। परमाणु तो इतने छोटे होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। तो ये कण तो हमको दिखाई दे जा रहे हैं, तो ये कण है, वो एक्चुअली उसके अंदर अभी बहुत सारे परमाणु होंगे, ठीक है, तो वो कण की बात हो रही है। तो ये पदार्थ के जो कण हैं, ये कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, अभी उसको देखना, जब लाइट आती है तो उसके बीच में जो कण होते हैं चौक से लिखे हुए, वो कण निरंतर ऐसे गति करते रहते हैं, रैंडम मोशन, इसको बोलते हैं ब्राउनियन गति, ब्राउनी गति, ठीक है। तो आएगा आगे, उसके बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, और आगे क्या है कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, देखो कितने छोटे छोटे होते हैं वो, जो सनलाइट आती है, सूरज का प्रकाश आता है, उसमें जब छोटे छोटे कण होते हैं वो कितना छोटा दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के जो, अब देखो बहुत सूक्ष्म, अगर मान लो ऐसे कोई मान ना रहा हो, जबरदस्ती कर रहा हो, भैया हम नहीं मानेंगे, हमको मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करके बताओ तब मानेंगे, तो क्या किया जाए, देखो हम लोग सबसे पहले इसी के बारे में स्टडी करते हैं, इसी के बारे में अध्ययन करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये क्या करेंगे, पहले एक बाल्टी लेंगे, उसमें मान लो 100 ml वाटर है, नहीं रहने देते हैं, 90 ml करते हैं, 90 ml वाटर लेते हैं, वाटर का फार्मूला दुनिया जानती है, H2O, ठीक है। तो 90 ml मैंने H2O ले लिया, वाटर ले लिया, पानी ले लिया। अब पानी के अंदर हम लोग मिलाने जा रहे हैं क्या, KMnO4, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि बैंगनी कलर का होता है, गाढ़ा बैंगनी कलर का होता है, गाढ़े बैंगनी कलर का सलूशन इसमें मिलाएंगे, ठीक है। जब उसको मिलाया जाएगा तो पूरा ये जो पानी है, पानी तो कोई कलर होता नहीं, रंगहीन होता है, अब ये रंगीन बन जाएगा, ये भी गाढ़ा बैंगनी बन जाएगा। तो 10 ml इसमें KMnO4, मान लो KMnO4 नहीं समझ में आ रहा है तो 10 ml नील ले आके डाल दो, नील, ये तो सबको पता है नील होता है, ठीक है, या कोई भी कलर ला के डाल देंगे, तो 10 ml 10 ml KMnO4 का विलयन, ठीक है, KMnO4 का विलयन डालेंगे, ना कि KMnO4 वैसे सॉलिड स्टेट में होता है, अब ये KMnO4 ला करके, KMnO4 का विलयन ला करके इसमें डाल दिया जाएगा, 10 ml KMnO4, 90 ml H2O, यानी कि 90 ml पानी में मिला दिया गया।
अब ये जब मिल जाएगा तो पूरा सोलूशन यानी कि पूरा जो विलयन है, पूरा विलयन अब गाढ़े बैगनी कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एक ग्लास और लेके आते हैं। ठीक है, अगला ग्लास वही सेम ग्लास, उसमें फिर से पानी लेते हैं और 90 ml यानी 90 ml फिर से इसमें पानी भर लिया मैंने, 90 ml पानी भर दिया इसमें, फिर से 90 ml H2O, पानी का फार्मूला H2O। अब 90 ml H2O डालने के बाद फिर से इसमें से सिर्फ 10 ml, इसमें से 10 ml लेके इसमें ले जाके डाल दो। ठीक है, उसका 10 ml ला करके इसमें मिला देंगे, फिर ये 100 ml हो जाएगा। इसने इसमें से 10 मैंने मिलाया था तो ये 90 और 10 100 हो गया था, फिर 10 निकाल दिया तो ये 90 बचा, 90 ml बचा और यहाँ पे फिर से 100 ml हो गया। अब ये 100 ml का सोलूशन यहाँ पे गाढ़ा, इसको मिलाने पर ये जो विलयन बनेगा गाढ़ा बैंगनी कलर का होगा, गाढ़ा बैंगनी कलर का होगा। ठीक है, अब दोबारा इसमें से 10 ml ला करके जब हम इसमें मिलाएंगे तो 90 ml तो पानी है वो किस कलर का है, कौनो कलर नहीं है उसमें, रंगहीन है, तो रंगहीन है 10 ml जैसे इसमें मिलाएंगे तुरंत ये कैसा हो जाएगा, बैंगनी। गाढ़ा नहीं कह रहे हैं क्योंकि अब की बार थोड़ा कम होगा, उसमें से 10 ml तो निकाल के ला रहे हैं, वैसे भी पूरा 10 ml KMnO4 था, अब इसमें से पानी भी तो मिला गया है तो ये तनु हो गया, थोड़ा सा तनु विलयन बन रहा है उसका। फिलहाल बात होगी आगे, ये बैगनी कलर का हुआ, बैगनी कलर। ठीक है, अगली बार एक और ग्लास उठा के लाओ। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, 90 ml H2O भर दिए। ठीक है, अब 90 ml H2O भरने के बाद क्या करना है, देखो इसमें से फर्दर 10 ml ला करके इसमें डाल देंगे, फिर से उसमें से 10 ml निकाल करके इसमें डाल देंगे, फिर 100 ml बनेगा। अब की बार हल्का बैंगनी होगा, वो ज़्यादा बैंगनी हुआ था, अब की बार हल्का बैंगनी होगा क्योंकि वो धीरे धीरे 10 ml बाकी तो छोड़ दिए ना, उसमें से 10 ml लेके आ रहे हैं तो ये हल्का बैंगनी। फिर से एक गिलास ऐसे लें, ऐसे ही कंटिन्यूसली कम से कम 5 बार ऐसे बढ़ाते चले जाओ, फिर भी दिखाई पड़ेगा कि लास्ट बार जो H2O मतलब जो पानी का जो मतलब विलयन बन रहा है, जो विलयन मिल रहा है, ठीक है, वो भी उसके अंदर भी बैगनी कलर पहुंचा हुआ है। सोचो इतना सारा विलयन में से थोड़ा थोड़ा करके निकाल के ला के मिला रहे हैं, फिर भी ये इसका जो कण है आखिरी तक पहुंचते जा रहा है, इसका मतलब समझ सकते हो कि ये कितना छोटा था। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट बस यही प्रूफ करता है, यही सिद्ध करता है कि ये जो छोटे छोटे मतलब जो भी पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था छोटा सा, समझ में आया होगा। दूसरा, पदार्थ के कणों की जो अगली प्रॉपर्टी है, अगला नेचर है, ठीक है, अगली प्रकृति है, वो क्या है कि पदार्थ के कण के बीच में खाली स्थान होता है। चलो सेकंड इसको करते हैं। ठीक है, पहला इसको ले लिए, ये हो चुका, नहीं नहीं वो हुआ है। ठीक है, तो पहला पहला वो हो चुका है, अब इसके बाद से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाले को, क्या पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो वहीं कर लेते हैं, वहां पे भी अपनी पर्याप्त जगह है। तो फर्दर, ठीक है, यहां पे रिक्त स्थान होता है, कैसे समझते हैं, जैसे मानो एक चौक ही है, चौक का एग्जांपल बेस्ट, एक चौक लिया गया है, अब उसके ऊपर से अगर हम लोग पानी डालें तो पानी नीचे गिरेगा नहीं, उसके अंदर सोखते चला जाता है, 2-4 बूंद 8 बूंद 10 बूंद अगर डाल रहे हैं उसके पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, पानी नीचे गिरा नहीं, गया आखिर कहाँ, तो वो जो पानी होता है वो जो ठोस अवस्था है चौक है उसके पार्टिकल्स यानी कि उसके जो कण हैं एकदम चिपके हुए नहीं है, कभी भी कणों को जब जोड़ोगे, ये रहा एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ पर है और एक कण यहाँ पर है, अब इन कणों को जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे खाली स्थान अवश्य बचेगा, पूरा तरह से कण चिपक नहीं जाएंगे। ठीक है, स्फेरिकल है, देखो ध्यान से, स्फेरिकल मतलब क्या, गोलीय शेप का है, गोलीय है, और गोले को अगर 4 गोले को मिलाओ तो बीच में जगह जरूर बचेगी, तो वही जगह है इसी, अब देखो तो ये जो होते हैं इनके बीच में जो जगह होता है उनको बोलते हैं अंतराकणीय स्थान, अंतराकणीय स्थान, इसको क्या बोलेंगे, अंतराकणीय स्थान या फिर अंतराकड़ी स्थान या फिर अंतराकड़ी दूरी, इसको अंतराकड़ी स्थान बोलें या फिर अंतराकड़ी दूरी बोल सकते हैं। तो फिलहाल ये अंतराकड़ी बोल रहे हैं, अंतराणुक स्थान नहीं बोल रहे हैं या अंतराणविक दूरी नहीं बोल रहे हैं,
अंतराणविक स्थान या अंतराणविक दूरी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये अणु नहीं है, ये क्या है, कण है, ये आंखों से दिखाई दे रहा है। अणु तो अभी और छोटे होंगे, उसको हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, उसके बीच में भी ऐसी खाली जगह पाई जाती है और वो जो होती है उसको अंतराणविक दूरी बोलते हैं, अंतराणविक स्थान बोल सकते हैं। ये अंतराकणीय स्थान है, क्योंकि ये कण है, ये भी कण है, ये भी कण है, चारों कण है, तो इनके बीच का जो जगह होगा उसको अंतराकणीय बल बोलते हैं, अंतराकणीय स्थान बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, तो पानी जब डाला गया तो ये जो खाली अंतराकणीय स्थान था, खाली जगह थी, उसी में पानी जा करके अवशोषित हो गया। ठीक है, अवशोषित होता चला गया तो इस तरह से वहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हो गया। दूसरी बात करते हैं, अगर मान लो सॉलिड है, मान लो कि ठोस अवस्था है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, अगर द्रव अवस्था में ऐसी बात करी जाए तो द्रव में भी होना चाहिए, तो अवश्य होता है। ठीक है, हम लोग उसका भी एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर एक बीकर लेंगे, ठीक है, वहाँ ग्लास लेते हैं, यहाँ बीकर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक बीकर लिया मैंने, बीकर में मैं फिर से पानी लूँगा, क्योंकि बायोस इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक। सार्वत्रिक विलायक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ईजिली कहीं पर भी जा रहे हो, अचानक से मान लो पानी की ज़रूरत पड़ी, कुछ भी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ी, नहीं कुछ है फिर भी आपके पास पानी प्रेजेंट है, कहाँ है वो आप जाने। बाकी और भी बहुत सारे हैं तरीके हैं, मतलब वाटर के हर जगह ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारी जगह हैं वाटर मतलब ईजिली अवेलेबल है और काफ़ी सस्ता है, कहा जा सकता है हमारा जो अर्थ है उसमें 75% वो है, और मतलब 1/4 जो है वो लैंड है, बाकी सारा वाटर ही तो है। तो अगर सारा वाटर है तो फिर जान ही रहे हैं कि वो कितना इजीली अवेलेबल है, इसी वजह से इसको बोलते हैं क्या, सार्वत्रिक विलायक, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सार्वत्रिक विलायक मैंने पानी ले लिया है, अब क्या करेंगे, देखो इसमें हम लोग मिलाने जा रहे हैं कुछ, क्या ये देखो, या तो शुगर मिला लो यानी चीनी मिला लो, या फिर नमक मिला लो। यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, देखो मान लो कि ये है 5 लीटर पानी, 5 लीटर H2O मैंने ले लिया। अब इसमें डालने जा रहे हैं क्या, शुगर यानी कि चीनी, वो भी कितना केजी, 1 केजी। ठीक है, 1 केजी चीनी डाल रहे हैं, पीस कर डाल रहे हैं जल्दी घुलने के लिए, पता है ना जल्दी पीस दिया जाता है तो जल्दी घुल जाता है क्योंकि उसका आकार छोटा हो जाता है। तो चीनी 1 केजी का, 1 किलो का चीनी मैं इसमें, 1 किलो चीनी मैंने इसमें डाल दिया पानी में, और उसको बढ़िया से सेक कर दिए, मिला दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक विलयन बनेगा, विलयन तैयार होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे विलेय और विलायक मिलकर के विलयन बनाते हैं, पहले इसको भी समझ लेते हैं तब इसके बाद पे आते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, देखो ये एक विलयन तैयार होने वाला है। ठीक है, तो विलयन जो होता है, विलयन ये कैसे बनता है, जब विलेय और विलायक मिले, विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो चीनी जो है वो घुल गया, तो याद रखेंगे यहाँ पे भी एक बात, क्या जिसको घोला गया है वो विलेय होता है, जिसको घोला जाए उसको क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, क्या बात है, और जिसमें घोला जाए उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलते हैं, जिसमें घोला जाए वो विलायक कहलाता है। तो जैसे चीनी को घोला गया है ना, तो चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया, और पानी में घोला गया है तो पानी विलायक हो गया, काफ़ी आसान सी बात। तो विलेय और विलायक, एक और बात इसी में हम बताएंगे क्या, कि ये जो विलेय होते हैं वो हमेशा कम होते हैं, मतलब कि जिसको घोला जाता है वो तो कम ही लिया जाएगा, ज़्यादा थोड़ी घोल देंगे, तो यानी कि जो कम अमाउंट में हो, यानी जो कम मात्रा में हो, जो कम मात्रा में हो उसको क्या बोलते हैं, विलेय, और जो ज्यादा मात्रा में हो उसको क्या बोलते हैं, विलायक। एकदम सही बात है, दो दो बातें क्लियर हो गई हैं विलेय और विलायक को लेकर के। ठीक है, तो जरा देखो, ये चीनी मैंने घोला पानी में, तो चीनी और पानी का एक क्या बना, जलीय विलयन बना। जलीय विलयन इसलिए बोले क्योंकि पानी को लिया गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जानते ही हैं, सार्वत्रिक। ठीक है, तो ये उसको मिला करके हम लोगों ने बनाया है, अब ये बना क्या, विलयन। ठीक है, तो चीनी जब इसमें डाला गया तो ये 5 लीटर पानी है और 1 किलो चीनी है, चीनी जब इसमें घोल दिया गया। ठीक है, तो चीनी का अब बताओ, ये जो पानी का लेवल है, यानी कि पानी जितना आयतन घेरा हुआ है, ठीक है, ये मान लो यह हाइट है इसकी, यह ऊंचाई तक है, तो ये जो पानी
आयतन घेरे हुए है इस कंटेनर का या जो भी लिया गया है, ठीक है, बीकर का, इस बीकर में जितना पानी ने अपना आयतन मतलब लिया है, चीनी घोलने के बाद क्या इसका आयतन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बताइए। गलत जवाब, एक्चुअली कुछ नहीं होगा, एज इट इज बना रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, चेक करके घर पे एक्सपेरिमेंट करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जितना दिया है उसमें एक किलो चीनी अगर घोल रहे हैं तो वो बढ़ाएगा थोड़ी ना, अचानक से डाल दिए तो वो तो थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे डिजॉल्व होगा और वापस से वो अपने उसी जितना था उसी आयतन में आ जाएगा, ठीक है। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चीनी जो डाला गया है पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा, वो जा करके गया कहाँ के तभी किलो चीनी, एक किलो चीनी था, थोड़ा बहुत रहता तो हम तो काम चला लेते, इतना किलो चीनी हम नहीं फेंकने वाले हैं, तो चीनिया गया कहाँ, तो हम लोग अब इस पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आखिर गया कहाँ, इसको ध्यान से देखते हैं फिर। तो एक्चुअली हुआ क्या है, ध्यान से देखना, ये जो अंतरकणीय स्थान है, यानी कि जो पानी की एक समझ लो H2O मॉलिक्यूल, H2O के कण मान लो, यहाँ पे अणु मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अणु हैं उनके बीच में जो जगह है ये स्फेरिकल शेप में है, यानी कि गोलीय है, तो इनके बीच की जो जगह है, इस जगह में चीनी के जो कण है जा करके बैठ गए, गायब हो गए, डिजॉल्व हो गए, ठीक है, घुल गए, तो वही जा करके वहाँ डिजॉल्व हो रहे हैं। अब इसको जैसे अंतराकड़ीय स्थान वाली बात मैं कर रहा हूँ कि उनके बीच में खाली स्थान होता है, अभी एक मान लो मैं छोटा सा गोली लूँ, एक गोली नहीं एक बड़ा सा मतलब कटोरी लूँ, उसके अंदर बहुत सारे कंचे भर दूँ, वो खेलने वाले मार्बल्स, गोली भर दिया गया, अब उसमें मैं बहुत सारे रेत को लेके आऊँ और उसमें भरूँ, बहुत सारा रेत ला करके उसमें अगर भरूँ तो बहुत देर तक ऐसा ऑब्जर्व होगा कि मतलब कि उसमें ऐसा पहाड़ नहीं बनने लग जाएगा, पहले उसको ऐसे सेक करेंगे तो सारा रेत उसके अंदर चलता चला जाएगा नीचे चीजें, ऐसा देखने से नहीं लगेगा उसके अंदर खाली जगह है, बहुत सारे कंचे हैं तो उसमें खाली जगह दिखाई ही नहीं पड़ेगा, लेकिन खाली जगह होता है क्योंकि वो क्या है, अणु है, और अणुओं के बीच में, या अणु नहीं है कह सकते हो, कण है, और कणों के बीच में स्थान होता है। अभी मैंने यहाँ पे पदार्थ के कणों की गुणधर्म बताया है, ठीक है, पदार्थ के कणों का नेचर बताया, प्रकृति बताई है, तो उनके बीच में खाली स्थान होता है, तो वो खाली स्थान जो होगा, अब ये बालू के कण, उस बालू डालते जाएंगे उसमें अंटता चला जाएगा, अंदर जाता जाएगा तब तक जाएगा जब तक उसके बीच की जो जगह है वो पूरी तरह से भर ना जाए, फिर उसके बाद से ऊपर ऐसे पहाड़ की तरह ऐसे ऊपर टीला बनाते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये तो हो गया ठोस वाले में, बाकी वो द्रव वाले में भी यही हिसाब किताब, यहाँ पे जब हम लोगों ने चीनी डाला और घोल दिया तो ये जो बीच बीच में इनके बीच में जगह पाई गई उसी में ये चीनी जाकर के डिजॉल्व होता गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वो विलयन की बात करता हूँ, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो ये जो विलयन होते हैं, विलयन, ठीक है, ये तीन नेचर, पहला संतृप्त विलयन, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, ठीक है, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। जैसे देखो एक बच्चा है, बहुत ज़्यादा खाने वाला है, मतलब ठीक ठाक, मतलब 15-20 पूड़ी अच्छे से खा जाता है, उसको अपने घर पे पार्टी में बुलाया आपने, अब वहाँ पर बुला करके उसको आपने दो पूड़ी खिला दिया, ठीक है, बताओ संतुष्ट होगा कि असंतुष्ट रहेगा? अरे घर यही वो करेगा, याद रखना, ठीक है, गाली उली देते हुए जाएगा घर पे, उसके मन में उल्टा सीधा रहेगा आपकी ख्याल है, दोबारा आप बुलाएंगे आएगा भी नहीं। तो ये जो है वो जो बच्चा है, अगर ज़्यादा खाने वाला है उसको आपने थोड़ा खिलाया तो वो असंतृप्त है, असंतुष्ट है, यहाँ पे असंतृप्त को असंतुष्ट से रिलेट करेंगे, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो वो बच्चा असंतुष्ट होके जाएगा, मान लो अगर 20 पूरी खाता है आपने उसको 20 पूरी ही खिलाई तो वो क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने उसको भांग का गोला खिला दिया, पहले भांग का गोला खिला दिया, वो 20 पूरी खाने वाला 40 पूरी खा सकता है, ठीक है। तो अब वो उसको खिला रहे हैं तो अब उसको ला के घर पे बुलाए और खिला रहे हैं खाना, तो 20 की जगह वो 30 खा गया, उसको आइडिया ही नहीं है कि वो कितना खाया जा रहा, ठीक है। तो ये अति संतृप्त वाला कंडीशन है। मान लो एक पानी है 1 लीटर, उसमें मैक्सिमम, या 10 लीटर पानी है उसमें मान लो मैक्सिमम 2 किलो चीनी घोला जा सकता है, मैक्सिमम, ऐसा एक आइडिया बता रहे हैं, जन अनुमान लगा रहे हैं, एक्चुअल में ये सही नहीं है, उसका कुछ अलग ही होगा, ठीक है। तो मान लो 10 लीटर पानी लिया, उसमें मैक्सिमम 2 किलो चीनी घोला जा सकता है, मैंने घोल दिया 1 किलो चीनी, मतलब कम से कम चीनी घोला, 1 किलो ही चीनी घोला, और भी कम चीनी घोल सकते हैं, कम चीनी घोल रहे हैं ना, जितना घोल सकते हैं उससे कम घोला जा रहा है, और कम घोलने की वजह से उसमें जितना मैक्सिमम घोला जा सकता है उससे मैंने कम घोला है, तो ये बताओ संतृप्त हो जाएगा? नहीं, असंतृप्त रहेगा।
मान लो 1 किलो, मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आधा आधा करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आया कि मैंने पूरी तरह से 2 किलो ही डाल दिया। तो 2 किलो डालते ही अब क्या हो जाएगा, वो असंतृप्त से अब संतृप्त बन जाएगा। तो देखो जरा, जब कम चीनी डाला गया तो इनके बीच में जो अंतराकड़ीय स्थान था या अंतराणविक दूरी थी, उनके बीच में अंतराकड़ीय स्थान के बीच में जब चीनी जा करके फंस रहा था, इनके बीच में जो अंतराकड़ीय स्थान था उसके बीच में चीनी जा रहा था। अब जब कम चीनी गया तो आराम से जाके चाहे जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे जहाँ जाके वितरित होकर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 kg तक पहुँचा रहा धीरे धीरे, तो पूरी तरह से इसके बीच का जब जगह भर जाएगा, अब उससे ज़्यादा अगर डालेंगे, ऐसे घुलाते रहो ऐसे घूमते रहेगा लेकिन घुलेगा नहीं, ठीक है। जितना भी डालते जाओ घुलेगा नहीं, उसी में से घूमेगा बार बार, ठीक है। तो बार बार ऐसे घूमते रहेगा, घुलेगा नहीं अच्छे से। तो उसको घोलने के लिए, ठीक है, अगर मान लो हम लोग कुछ परिवर्तन कर दें, ठीक है, ये अगर नहीं घुल रहा है मैक्सिमम, तो समझ लो संतृप्त है। अब उससे ज़्यादा खिलाओगे ज़बरदस्ती बुला करके 20 पूड़ी से, अगर मान लो बिना कुछ किए तो वो नहीं खाएगा, कहेगा नहीं भैया हमारा हो चुका है, अब इससे ज़्यादा हम चाय ना पिए, खाने की बात तो अलग ही है। लेकिन अगर मान लो उसको भांग का खोला खिला के लाए होते तब खिलाते तो कितना खा जाता, ज़्यादा खा जाता। मतलब क्या, अगर हम लोग नीचे से गर्म कर दें जो भी अभी हम लोगों ने बनाया असंतृप्त विलयन, अगर उसमें गर्म कर दे तो ये अब असंतृप्त से अति संतृप्त, जितना उसको घोलना 2 किलो 1 किलो और डालो और गर्म कर दो वो भी बन जाएगा। चाशनी वगैरह ऐसे ही बनाई जाती है, चाशनी उसमें जो बनाई जाती है, ठीक है। तो अब और ज़्यादा घोलना है तो बस नीचे से गर्म कर दो, भौतिक अवस्थाएँ चेंज कर दो, तुरंत उसके मतलब कि प्रभावित कर देंगे, अगर कारक लगा देंगे कोई बाहर, तो ये और ज़्यादा घोल लेगा। बताओ संतृप्त जितने में हो रहा था उससे भी ज़्यादा घोल लिया, इसको बोलते हैं अति संतृप्त, अति हो जाना, ज़्यादा खा लेना, तो ज़्यादा घुल गया, ये हो गया अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन, 3 टाइप के विलयन होते हैं। अब समझो तो आखिर ये जो चीनी जा रहा है वो सब आखिर कैसे पहुंच रहा है। अब देखो गर्म करने पर वो अति संतृप्त क्यों हो रहा है ये भी समझा दे रहे हैं। गर्म करने से ये जो अंतराकड़ीय स्थान होता है वो बढ़ जाता है, ये लोग दूर दूर भागते हैं क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बैठे रहो क्लास में, अगर अचानक से सीट पर गर्म कर दें क्या उछल कूद करने लग जाओगे, भागने लग जाओगे, क्यों, क्योंकि भाई हीट एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे गर्म करते ही, ठीक है, उष्मा देते ही इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, ये जो कण है इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से रैंडम हो जाएंगे, ठीक है, इधर उधर भागने लगेंगे तो जगह यह बन जाएगी, वो जगह बढ़ने से ये और ज़्यादा घुल लेता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन, जब ज़्यादा घुल जाता है, ठीक है। तो गर्म कर दिए, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसको ज़्यादा हम लोग बना सकते हैं, अति संतृप्त विलयन बना सकते हैं, ठीक है। तो विलयन हो गया, विलय और विलायक वाला हिसाब किताब, अब आगे समझते हैं, ठीक है। तो ये अंतराकड़ीय दूरी, दूसरा हो गया पदार्थ के कण, पहला क्या था बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा क्या कि इनके बीच में खाली स्थान होता है, ये इसका एक एग्जांपल। मतलब क्या है कि 5 लीटर पानी था, 1 किलो अगर चीनी डाले हैं तो वो 5 का 5 ही लीटर बना रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा, उसका आयतन नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो होते हैं इनके बीच में जगह है, उसी में जाके ये क्या हो जा रहा है, डिपोजिट हो जा रहा है, मतलब अवशोषित हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पदार्थ के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, ठीक है, ये दोनों हो गए कंप्लीट। तीसरा क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। जो भी पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बताओ ऐसा हो सकता है क्या, यस, ये आकर्षित किया हुआ है तभी आपस में चिपका हुआ है। ऐसा कह सकते हैं जो ठोस होते हैं वो ज़्यादा आकर्षित करते हैं, द्रव वाले थोड़ा कम आकर्षित करते हैं, गैस वाले सबसे कम आकर्षित करते हैं, लेकिन आकर्षित अवश्य करते हैं, ठीक है। जितने भी पदार्थ के कण होते हैं सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आकर्षित करने वाली बात ही समझनी है तो देखो जरा, इसको अगर हम लोग फेंक दें तो अभी का अभी इसका शेप चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कहते हैं ना कि इसकी आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसका क्या मतलब है कि ये जो कण है इसके आपस में क्या हुए हैं, आकर्षित कर रहे हैं। पानी वाले में करें, पानी को अगर छोड़ेंगे तो थोड़ा कम आकर्षित करते हैं, इसलिए बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। गैस की बात करें तो गैस तो वैसे ही काफ़ी जगह है, बहुत जगह है, ठीक है, तो बहुत जगह है तो फिर इजीली उसमें से निकल सकते हैं, ठीक है, काफ़ी जगह है। कहते हैं कि एक दूसरे को वो लोग कम आकर्षित करते हैं, कह सकते हो ना के बराबर आकर्षित करते हैं। आयरन है उसको तोड़ना है, मतलब कि अगर लोहा है उसको तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा क्योंकि आकर्षित किए हुए हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। पानी है तो इसे उठा लिए, टूट गया। हवा है, हवा तो वैसे ही टूटी हुई है क्योंकि उनके बीच में कोई आकर्षण बल ही नहीं लग रहा है, बहुत ही कम लग रहा है, ना के बराबर, नगण्य है, ठीक है। तो यही है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो अगर समान प्रकार के कण, देखो पानी है, कभी कभी ऐसा देखे होगा पृष्ठ तनाव के कारण तो पानी जितना गिलास है उससे ज़्यादा भी भरना चाहो, थोड़ा बहुत ऊपर ऐसे बढ़ा सकते हो पानी, बूंद बूंद करके इसके ऊपर डालते जाओ, एक ऐसे पहाड़ जैसा बनते जाएगा, अचानक से फूटेगा और सारा गिर जाएगा जितना एक्स्ट्रा भरा था। लेकिन इतना दूर बढ़ा क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण। साथ में क्या, क्यों पृष्ठ तनाव लगा, क्योंकि कण एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे।
पानी की बूंदें हैं, अगर बूंद की फॉर्म में क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि कण क्या कर रहे हैं एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। बारिश ऊपर से आ रही है तो फुहार के फॉर्म में आके बड़े बड़े बूंदों के फॉर्म में आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पे एक पानी की बूंद गिरा तो बूंद के फॉर्म में ही गिरती है, ना कि रास्ते में अपने हिसाब से टूट जाती है, रास्ते में आते समय थोड़ी टूटती है, वो तो नीचे गिरने के बाद फिर टूटती है वहाँ पे, क्योंकि अचानक से उसको इम्पल्स मिल जाता है, वरना ऊपर से नीचे आते समय पूरे एक बूंद के फॉर्म में ही आती है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को वो लोग क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। सही बात है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार एक दूसरे को क्या करते रहते हैं आकर्षित करते रहते हैं, इसी वजह से पदार्थ एग्जिस्ट भी करता है। देखो तीन बातें हो गई, पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गति, पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कण के बीच में क्या होता है खाली स्थान होता है। तीसरी बात, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब लास्ट वाली बात हम लोग करने जा रहे हैं, क्या पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब लगातार गति करते रहते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन करना है तो चेक कर सकते हैं, क्या अगर इत्र लगा लिया बगल में तो पूरा कमरा महक उठता है, क्यों महक उठा, क्योंकि उसके जो कण है इत्र के जो कण है वहाँ से पूरे कमरे में तुरंत फैल गए, क्यों, क्योंकि लगातार गति कर रहे हैं। अगरबत्ती जला दिया गया, अगरबत्ती के पूरे कण पूरे कमरे में फैल जाएंगे, पूरा कमरा महक उठेगा, ठीक है। और ये तो हो गया गैसों में, बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है। और अगर कहा जाए ये जो गति करते रहते हैं निरंतर, अगर मान लो पानी की बात करें, वाटर में, तो वाटर में भी तो होता है, अगर मान लो ऐसे कहा जाए पानी में पानी मिला दिए और उसके वजह से देख रहे हो तो उसमें भी गति हो रही है, लेकिन पता कहाँ चल रहा, दिख तो नहीं रहा है, देखना है तो कुछ कलर वाला चीज़ मिला दो, रंगीन चीज़, तो ऊपर से एक बूंद डाल दो स्याही की, स्याही का मतलब डाल दो नील, एक बूंद नील की डाल दो, अब ऐसा होगा एक बूंद उस पानी में एक बूंद नील की डाल दो, अब दिखाई पड़ेगा कि नील धीरे धीरे लगातार गति करता है, थोड़ा थोड़ा करके पूरे कमर पूरे मतलब जो कंटेनर है पूरा जो पानी है बीकर है पूरे बीकर के पानी को नीला कर देगा, लेकिन धीरे धीरे, और वो जो कण है दिखाई भी पड़ेंगे कि यहाँ के बाद ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये पूरी तरह से, ठीक है। तो ये पदार्थ के जो कण है वो लगातार गति भी करते रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे कमरे में, जैसे कमरे में हवा थी, मैंने परफ्यूम मारा तो परफ्यूम जो मारा उसके पूरे कण पूरे कमरे में फैल गए, तो परफ्यूम के कण और हवा के कण आपस में मिश्रित हो गए, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है विसरण, इसी को क्या बोलते हैं विसरण, अंग्रेजी में बोलते हैं डिफ्यूजन, तो ये विसरण होता है, ठीक है। तो विसरण क्या होता है, दो या दो से अधिक, विसरण क्या होता है, दो या दो से अधिक, ठीक है, प्रकार के कणों का, ठीक है, या दो से अधिक पदार्थों के कणों का अंतः मिश्रित हो जाना, इंटरमिक्स हो जाना, इंटरमिक्स को अंतः मिश्रित बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरमिक्स हो जाना, अंतः मिश्रित हो जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के कणों का अंतः मिश्रित हो जाना कहलाता है क्या, विसरण। तो बताओ विसरण हो रहा है, इसका मतलब है कि कण जो है वो लगातार क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, और वो भी अनियमित गति, हर एक डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर परफ्यूम मारे तो पीछे नहीं जाएगा, खाली आगे वाले को महकेगा, पीछे नहीं, वो पीछे भी जाएगा, ठीक है, हर तरफ अनियमित गति होती है उनकी, तो लगातार गति करते हैं, चाहे वो निरंतर गतिशील होते हैं, इसी को विसरण बोला जाता है। क्या होता है, विसरण। तो विसरण की डिफिनीशन मैंने अभी जस्ट बताई है, क्या कि डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन, विसरण। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों का, पदार्थों के कणों का, दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों का अंतः मिश्रित हो जाना विसरण कहलाता है, ठीक है। तो ये जो पदार्थ के कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं, इसी की वजह से विसरण होता है। अगर गति ना करते तो एक जगह मारे वहीं कोई से पड़ा रह गया, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पूरे कमरे में फैल जाता है, इसका मतलब है कि वो लगातार, इसी को विसरण बोलते हैं। और देखो जरा, ये जो विसरण होता है ये ठोसों में भी होता है, द्रवों में भी होता है, गैसों में भी होता है। अगर बत्ती जलाया तो जो फैला वो गैसों में विसरण हुआ, पानी में अगर इंक डाल दिया तो वो इंक चारों तरफ फैल गई, ये कौन सा हुआ, ये द्रव में विसरण हुआ, ठीक है। पहला ठोसों में विसरण, दूसरा द्रवों में विसरण, और तीसरा गैसों में विसरण। ठीक है, गैसों में विसरण। तो ठोसों में भी विसरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। द्रव में विसरण तो मैंने बता ही दिया, इंक को डाल दो उसी पानी में तो पूरे साफ साफ दिखाई पड़ता है, कोई घूम रहा। ऐसे ही दूध में और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, अल्कोहल में पानी मिला, खुश हो गए, अल्कोहल में पानी मिला दिया जाता है तो भी यही हिसाब किताब है, क्या
विसरण, द्रव में विसरण हो रहा है, विसरण से ही पूरा फैल रहे हैं, गैसों में भी विसरण होता है, सही बात है, तो गैसों में भी विसरण हो गया, जैसे परफ्यूम हो गया, अगरबत्ती हो गई, तो ठोसों में विसरण कैसे होता है देखते हैं। लोहे की कील लेते हैं, उसको चुंबक में चिपका करके बढ़िया से और ऐसे लगा करके बांध करके साल दो साल दस साल के लिए छोड़ दिया जाए। अब 10 साल बाद जब इसको खोला जाएगा, ठीक है, तो उसमें हमको दिखाई पड़ेगा वो जो लोहा है वो थोड़ा थोड़ा मैग्नेटाइज हो गया है, उसके अंदर कैसी प्रवृत्ति आ गई है, थोड़े थोड़े चुंबक की प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति उसके अंदर भी आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें चुंबक के जो कण है, चुंबक का जो प्रॉपर्टी है वो डिफ्यूज हो गया है, विसरण हो गया है। ये ठोस था, कील जो थी वो भी ठोस थी और जो चुंबक था वो भी ठोस था, दोनों साथ में चिपका के रखे गए, तो चुंबक की प्रवृत्ति ट्रांसफर हुई है किसके अंदर, कील के अंदर। तो ये बता, यही तो हम लोग कह सकते हैं ठोसों में भी विसरण हो सकता है, ये ठोसों में विसरण इस तरह से होता है, ठीक है। अभी गैसों में विसरण का एक एग्जांपल और अगर हम लोग लेना चाहें, गैसों में विसरण का एक एग्जांपल अगर और लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर है, कहीं पे भी अगर एंट्री मार रहे हैं एलपीजी सिलेंडर, अगर महक रहा साफ साफ समझ में आ जाता है वो ये क्या हो गया, इस तो एलपीजी सिलेंडर कहीं से, मतलब एलपीजी गैस महक रही है, तो ये जो एलपीजी गैस है एक्चुअली बताते हैं एलपीजी में जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, मेनली यही दो गैस होते हैं, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, तो यही दो जनरली गैसें पाई जाती हैं। लेकिन ये खासियत इसकी ये है कि ना तो प्रोपेन महकता है ना ब्यूटेन महकता है, दोनों महक नहीं होते, ऑर्डरलेस होते हैं, यानी गंधहीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझाइए हमको ये कि ये महकता क्यों है, क्या ऐसा मिलाया जाता है, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि ये जो महक आती है उसमें से जो गैस है वो महकता है, एलपीजी सिलेंडर वो क्यों महकता है, इसमें कौन सा ऐसा मतलब क्या मिलाया जाता है, गैस कौन सी गैस मिलाई जाती है जिसकी वजह से वो महक आता है, कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, विसरण को कुछ प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, कारक हैं, विसरण को, विसरण जो है विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिनको हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला तो हम लोग अभी अभी बात किए हैं, फिर से बता रहे हैं क्या होगा, टेम्परेचर, सही बात है, टेम्परेचर पहला नंबर पे आएगा विसरण की दर को प्रभावित करने। जैसे ही हम लोगों ने गर्म किया कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ने से रैंडमली जल्दी जल्दी भागने लग जाएंगे और भागने लग जाएंगे तो विसरण जल्दी होगा, ठीक है। गर्मियों में महक जल्दी आएगी, ठंडियों में उतनी तेज नहीं जाएगी, विसरण बहुत तेज़ी से होता है गैसों में, ठीक है। द्रव में भी विसरण, अब यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो द्रव में विसरण के हिसाब से, एक पानी एक जगह पानी लेते हैं गर्म पानी, एक जगह ठंडा पानी, ठीक है, और दोनों में एक एक बूंद नील की डाल देते हैं, आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा जो ये ठंडा वाला है, ये सारे एक्सपेरिमेंट भी मैं शॉर्ट वीडियोज़ में अपने कराऊंगा जल्दी, अभी ये जो ठंडा पानी में दिखाई देगा वो धीरे धीरे आएगा एकदम मतलब लहराते हुए, और ये जो गर्म पानी वाला है उसमें जैसे ही एक बूंद नील की गई तुरंत वो चारों तरफ से फैलना शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो गतिज ऊर्जा है कणों की वो ज़्यादा हो चुकी है, अब जैसे ही नील डालेंगे चारों तरफ फैल जाएगा, और यहाँ वाले में क्या है धीरे धीरे मूव करेंगे, धीरे धीरे चलते हुए टहलते हुए जाएंगे मस्त आराम से, कोई घाई नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या है कम है, तो यानी कि ये भी अफेक्ट किया कि नहीं किया, अब क्रिया या कह सकते हो कि विसरण की दर को प्रभावित कर दिया कि नहीं कर दिया, यानी कि विसरण की दर को प्रभावित करने का पहला कारक बन गया क्या, ताप, तापमान या टेम्परेचर, ठीक है। विसरण की दर को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक होगा वो हो जाएगा क्या, भौतिक अवस्था। अगर कहा जाए गैसों में ज़्यादा विसरण होगा, या जैसे मान लो कि दो लिक्विड है उनमें अगर विसरण कराना है तो जल्दी नहीं होगा उतना जितना गैसों में होता है, उनकी गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था में उनको लाएं अब विसरण कराएं तो जल्दी होगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि द्रवों में विसरण उतना तेजी से नहीं होता है, यानी भौतिक अवस्था भी एक फैक्टर है, एक कारक है विसरण की दर को प्रभावित करने वाली, ठीक है, विसरण की दर को प्रभावित करने वाली एक कारक ये भी है क्या, भौतिक अवस्था। अगर गैसियस अवस्था है, गैसीय अवस्था है तो बहुत जल्दी विसरण होगा, ठोस अवस्था में रहेगा तो बहुत ही कम होगा, सालों लग जाएंगे, जैसे अभी हमने बताया है कि चुंबक में अगर मान लो कील बांध के रख दिया गया सालों साल, तो कई साल बाद उसमें वो चुंबकीय प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण इसमें आएंगे आयरन में, ठीक है, लोहे की कील में काफ़ी टाइम लग जाएगा, कई सालों का। अगला लास्ट घनत्व, अगला क्या है तीसरा, यानी कि विसरण की दर को प्रभावित करने वाला लास्ट जो कारक है उसको बोलते हैं क्या, घनत्व। घनत्व एकांक, एकांक आयतन में, एकांक आयतन मतलब क्या, एक मीटर लंबा, एक मीटर चौड़ा और एक मीटर ऊंचा, इस इतने के बीच में जितना द्रव्यमान होगा उसी को क्या बोलेंगे, घनत्व। तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, द्रव्यमान की मात्रा घनत्व कहलाती है, घनत्व कहलाती है,
एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा उसका घनत्व कहलाती है, ठीक है, घनत्व कहलाती है। तो घनत्व का मतलब क्या है कि एकांक आयतन में एक मीटर लंबा, एक मीटर चौड़ा, एक मीटर ऊंचा, इतने के आयतन रहे उसमें जितना द्रव्यमान होगा वही उसका क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। तो घनत्व भी विसरण की दर को प्रभावित करने का एक कारक है, ठीक है। अगर घनत्व ज़्यादा है, जैसे मान लो कोई द्रव है, कोई दो द्रव हैं, किसी एक का घनत्व ज़्यादा है, किसी दूसरे वाले का घनत्व कम है, तो जिसका घनत्व ज़्यादा उसमें विसरण कम, और जिसका घनत्व कम उसका विसरण ज़्यादा। जैसे मान लो कि एक जगह है पानी है और एक जगह मान लो कुछ शहद वगैरह ले लिए, तो शहद का घनत्व ज़्यादा है पानी के कंपैरिजन में, पानी की तुलना में घनत्व किसका ज़्यादा हो जाएगा, शहद का। अब शहद में विसरण कराओगे तो बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, उसमें अगर मिलाएंगे इंक तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन अगर पानी मिला दिए तो बहुत जल्दी घुलेगा। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व कम है। तो यहाँ पे दोनों में कैसा रिलेशन, कैसा व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, यानी घनत्व ज़्यादा तो विसरण कम और घनत्व कम तो विसरण ज़्यादा, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती का, यानी एक बढ़े दूसरा घटे तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध बोला जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। घनत्व क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। तो इतनी सी बातें थी आज के लेक्चर में, बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ठोस, द्रव और गैस, इन सब की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके बीच में क्या क्या, इनकी इनका नेचर क्या होता है, इनका प्रवृत्ति कैसा होता है, सारी बातें इसके अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये पूरा चैप्टर था, आगे चल के सेम वीडियो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी हम जल्दी ही लेके आएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।